नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इफेक्टिव स्टडी चैनल पर। और मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़। और आज जो है हम वार्षिक करंट अफेयर 2018 में महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करेंगे। तो ये जो है नियुक्तियों का पार्ट वन है। और ये सारी नियुक्तियां ना मैं केवल आपको बताऊंगा, उनको जो है वो ट्रिक के साथ भी आपको समझाऊंगा कि अगर आज आप ये पूरा वीडियो अंत तक देख लेते हैं, आखिर तक देख लेते हैं, तो आप जो है वो आपको कभी भी दोबारा जो है वो उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल एक दो बार रिवाइज कर लेना, बाकी आपको ये लाइफ टाइम जो है वो ये सारी नियुक्तियां याद रहेंगी, ठीक है ना। तो ये जो है करंट अफेयर के जो सारे क्वेश्चन हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे भी पहले मैंने करंट अफेयर के काफी एक दो वीडियो आपसे पहले डाले हैं, तो इससे पहले वो जो वीडियो डाले हैं वो आप जरूर देख लेना। मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वार्षिक करंट अफेयर 2018 में नियुक्तियां। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मुख्य आर्थिक सलाहकार की। तो जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं, ये अरविंद सुब्रमण्यम थे इनकी जगह पहले, अब कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। तो देखिए क्या है, आपको याद रखने की ट्रिक क्या है, इसको अब वो समझ लीजिए। आर्थिक माने हम जानते हैं क्या होता है, धन, मनी, ठीक है ना, पैसा। और यहां पर दिया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, यानी कि अगर इसको ऐसा समझें कि भगवान कृष्ण की कोई ऐसी मूर्ति है, ऐसी कोई भव्य मूर्ति है जिसकी आप कल्पना कीजिए, जिसमें सब कुछ है। सुब्रमण्य यहाँ पर मान लीजिए सब कुछ है उस मूर्ति में। मण्यम यानी कि उसमें मणि भी है, मणि है, अच्छा खासा मुकुट लगा है। तो वो काफी जो है वो आर्थिक दृष्टि से यानी कि धन की दृष्टि से उस मूर्ति पर काफी सारी जो है वो चीजें जड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार जो है वो आप मान लीजिए आर्थिक सलाहकार कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ठीक है ना। नेक्स्ट है वित्त सचिव, कौन है, अजय नारायण झा। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए वित्त माने धन। तो एक्चुअल में क्या है, हम कह सकते हैं कि आज की डेट में जिस पर वित्त है यानी कि जिस पर धन है वही सच यानी कि सचिव यहां पर हो जाएगा सही मायने में। तो जिस पर वित्त या धन है वही सच में अजय है, अजय यानी कि जिसको हराया ना जा सके, विजय हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो जिस पर सही मायने में वित्त होता है वही सच में अजय होता है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। या दूसरी तरीका ये हो सकता है इसका कि कृष्ण और नारायण एक ही बात है, ठीक है ना, दोनों एक ही भगवान के रूप हैं। और यहां पर देखें आर्थिक और वित्त दोनों का अर्थ भी लगभग सेम है, बस अंतर कितना है, यहां पर आर्थिक सलाहकार हैं और यहां पर सचिव हैं, बस। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी व सीईओ कौन है, A.S. राजीव। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी व सीईओ A.S. राजीव है, ये तो मालूम हो गया। अब देखिए ट्रिक यहां पर, आप महाराजा राजीव, ये यहां पर ट्रिक बनेगी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए समझिए, महाराष्ट्र को हमने याद रख लिया थोड़ी देर के लिए, महाराजा, महाराष्ट्र, महाराजा, ठीक है ना। शिवाजी महाराज थे महाराष्ट्र में, तो वहां से आप याद रखिए कि महाराष्ट्र से महाराजा, और राजीव, ठीक है ना, और राजीव से राजा, तो महाराजा राजीव। तो महाराजा का लास्ट में क्या रहा है, राजा आ रहा है, तो राजा से क्या बनेगा, राजीव। तो जैसे आपसे पूछा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से आप क्या याद उठाना है आपको, महाराजा, और महाराजा में लास्ट में क्या था, राजा, तो राजा से बनेगा राजीव, सिंपल है। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आप तुरंत उसको, अगर आपको एग्जैक्ट याद भी नहीं रहेगा तो आप ऑप्शन से तुरंत पहचान पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है। तो देखिए एक्सिस बैंक के सीईओ हैं धर्मेश मेहता। अब देखिए ट्रिक से कैसे याद रखना है इसको, ये समझ लीजिए, एक्सिस बैंक को हमने याद रखा एक ऐसा, ठीक है ना, एक्सिस को कैसे याद रखा हमने, एक ऐसा, और कैपिटल को हमने याद रखा कपटी से, ठीक है ना, एक्सिस को एक ऐसा, कैपिटल को कपटी, और धर्मेश मेहता को हमने याद रखा धर्मात्मा से। तो यहां पर ट्रिक क्या बनी, एक ऐसा कपटी धर्मात्मा, ठीक है ना। तो एक ऐसा से क्या बना, एक्सेस, ठीक है ना। तो जब भी आपसे पूछा जाए एक्सेस कैपिटल के बारे में पूछा जाए तो याद रखना एक्सेस से एक ऐसा, कैपिटल से कपटी। तो एक्सेस कैपिटल को एक ऐसा कपटी याद रखिए, और कौन है एक ऐसा कपटी, धर्मात्मा है। देखिए यहां पर मैं किसी की जो है भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, धर्मात्मा से यहाँ केवल मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप उसको याद रखिए, ट्रिक है ये, केवल इसके अन्य मायने ना निकालें। तो धर्मात्मा यहां से बना धर्मेश मेहता, धर्मेश मेहता को हमने शॉर्ट में याद रख लिया धर्मात्मा। तो जब भी पूछा जाए एक एक्सिस कैपिटल के बारे में तो
एक्सेस कैपिटल अर्थात एक ऐसा कपटी, कौन है? धर्मात्मा है, ठीक है ना, धर्मात्मा यानी कि धर्मेश मेहता, ऑप्शन मिलेंगे आसानी से पहचान पाओगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है योनो, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उसके ब्रांड एम्बेसडर है स्वप्ना वर्मन। कौन है स्वप्ना वर्मन? ये एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल विजेता है स्वप्ना वर्मन। अब याद कैसे रखना है आपको, योनो को हमने याद रख लिया दोनों से, ठीक है ना, योनो दोनों, और स्वप्ना वर्मन, यहां पर स्वप्ना यानी कि स्वप्न सपने, और वर्मन यानी कि हमने वर्मन को याद रख लिया बुरा मन से, तो दोनों सपनों से बुरा मन, ये इसकी ट्रिक बनेगी। मतलब इसको समझिए, आपने रात में कोई सपने देखे, ठीक है ना, कोई दो सपने देखे आपने और दोनों ही सपने बहुत बुरे थे, तो उनसे आपका जो मन है वो भी खराब हो गया, मन बुरा हो गया, तो दोनों सपनों से आपका बुरा मन हो गया, तो दोनों सपनों से बुरा मन यानी कि योनो स्वप्ना बर्मन, सिंपल है इस तरह से, ठीक है ना। तो आप एक दो बार इन ट्रिक को रिवाइज करते रहिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको उसका आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है ना, वहाँ रिवाइज करते रहना, या फिर आप ये जो है वीडियो दो तीन बार देख लेना, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अभी ये ओपी रावत के स्थान पर बने हैं, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए चुनाव जब होता है तो चुनाव में काफी सारे व्यवधान होते हैं, फोर्स लगती है, पुलिस लगती है, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, बीच में कोई रोड़ा ना हो, ठीक है ना, रोड़ा किसको बोलते हैं, कोई हर्डल ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, बीच में कोई समस्या ना हो, तो इसके लिए आप ट्रिक याद रखिए, सुनो चुनाव में कोई रोड़ा नहीं, है ना, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बोल रहे हैं कि सुनो हमको चुनाव में कोई रोड़ा नहीं चाहिए, कोई समस्या नहीं चाहिए, तो सुनो रोड़ा, ये जो शुरू में और आखिर में शब्द आया है सुनो रोड़ा, तो सुनो से सुनील और रोड़ा से अरोड़ा, तो सुनील अरोड़ा किसके हैं? चुनाव के, चुनाव यानी कि निर्वाचन आयुक्त, सिंपल है, याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। अगला है यूपीएससी के अध्यक्ष, तो यूपीएससी के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, यहां पर ट्रिक हमने बनाई है कलेक्टर कार्यालय अरे बंद है ना, यानी कि आप कलेक्टर कार्यालय में कोई काम के लिए गए और वहां किसी आपको जो है वहां चौकीदार मिला, अरे भाई कलेक्टर कार्यालय बंद है ना, आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कलेक्टर कार्यालय अरे बंद है ना, तो यहां से कलेक्टर कार्यालय से समझिए यूपीएससी, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम देकर जो आईएएस बनते हैं वो कलेक्टर पोस्ट पर पोस्टिंग होती है उनकी, तो कलेक्टर कौन, कलेक्टर से याद रखिएगा आप यूपीएससी, और अरे बंद, अरे बंद से अरविंद, ठीक है ना, अरे बंद है ना, है ना, है ना से राय मिला सकते हैं आप, सक्सेना तो सरनेम भी याद रख सकते हैं, और अरे बंद से अरविंद याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कलेक्टर कार्यालय यानी कि यूपीएससी, अरे बंद से अरविंद, ठीक है ना, और है ना यानी कि सक्सेना, तो अरे या कलेक्टर कार्यालय अरे बंद है ना, यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हो गए? अरविंद, ठीक है ना, अरेबंद यानी कि अरविंद, सिंपल। नेक्स्ट है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक कौन है? वो है संजय मिश्रा, ठीक है ना, प्रवर्तन निदेशालय के या निदेशालय के निदेशक हैं संजय मिश्रा। तो देखिए बहुत फेमस कोटेशन है, परिवर्तन ही समय की मांग है, ये कोटेशन मुझे लगता है सबको याद होगा, नहीं है तो कर लीजिए, तो परिवर्तन ही समय की मांग है, बिल्कुल सही बात है। अब इससे आप इसको भी याद रख सकते हैं, यहां भी एक काम आएगा, परिवर्तन से याद रखिए आप प्रवर्तन, ठीक है ना, प्रवर्तन निदेशालय है, तो परिवर्तन से प्रवर्तन, और समय संजय, समय संजय एक जैसा है, ठीक है ना, तो इनमें राइमिंग है, यानी कि तीन लेटर के हैं, पहले सा बाद में, या बीच में ज और म का अंतर है, तो समय संजय, ठीक है ना, ऑप्शन जब मिलते हैं तो आप तुरंत उनको लगा पाती हैं, एग्जैक्ट आपको याद रहेगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शन लगाने में आप बिल्कुल महारत हासिल कर सकते हो इन ट्रिक की मदद से। तो परिवर्तन यानी कि प्रवर्तन और समय यानी कि संजय, तो आपसे पूछा प्रवर्तन निदेशालय, तो आप तुरंत याद रखिए प्रवर्तन यानी कि परिवर्तन, तो परिवर्तन ही समय की मांग है, समय यानी कि संजय, सिंपल, तो संजय मिश्रा प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हो गए। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो एचडीएफसी बैंक के सीईओ बने हैं आदित्यपुरी, ठीक है ना। अब कैसे याद रखेंगे, देखिए यहां पर है ट्रिक हमारी कि एचडी फ्रिक्वेंसी में ही आधे से पूरा वीडियो दिखता है, यानी कि अगर फ्रिक्वेंसी एचडी नहीं है तो क्या होगा, वीडियो कैसा दिखेगा आपको, थोड़ा सा उसके पिक्सल फटे हुए दिखेंगे, खराब दिखेगा, यानी कि आधा अधूरा आप मजा ले पाओगे उसका,
तो आधे अधूरे से पूरा मजा लेने के लिए आपको एचडी में देखना पड़ेगा ना। तो एचडी फ्रीक्वेंसी यानी कि एचडीएफसी, फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, एफसी लिख सकते हो। तो एचडी फ्रीक्वेंसी यानी कि एचडीएफसी, ठीक है ना। और आधे से पूरा, तो आधे से आदित्य बन गया और पूरा से पूरी बन गया, ठीक है ना। तो है ना सिंपल, इसको याद रखना। तो आपसे जब भी एचडीएफसी बैंक के बारे में पूछा जाए, अभी नियरेस्ट एग्जाम में कोई, देखिए आगे चेंज हो सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट एग्जाम में कोई पूछा जाता है, जब तक चेंज नहीं होता तब तक एचडीएफसी को आपको क्या याद रखना है, एचडी फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, हाई डेफिनेशन फ्रिक्वेंसी। तो एचडी फ्रिक्वेंसी होगी तो क्या होगा, वीडियो आधे से पूरा देखेगा, अर्थात आदित्यपुरी, सिंपल। चलिए नेक्स्ट है व्हाट्सएप इंडिया के अध्यक्ष। व्हाट्सएप इंडिया के अध्यक्ष अवजीत बॉस हैं। अब देखिए कैसे याद रखेंगे, व्हाट्सएप तो आप सभी जानते ही हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन में इस समय सबसे जबरदस्त कौन सी चल रही है अगर देखा जाए तो, सोशल मीडिया में, ठीक है, जिससे आप लोगों से बात कर सकते हैं, तो उसमें सही मायने में व्हाट्सएप चल रही है, जो कि हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल है, ठीक है ना। हर कोई व्हाट्सएप जरूर चलाता है, चाहे फेसबुक एक बार को कोई ना चलाए, लेकिन व्हाट्सएप सबके में इंस्टॉल है, सब चलाते हैं, ठीक है ना। और नहीं भी चलाते हो तो आप मान के चलिए, क्योंकि आपको यहाँ ये चीज़ें याद रखनी हैं। तो व्हाट्सएप ही सबका बॉस है, आपको ऐसे याद रखिए, व्हाट्सएप ही सबसे श्रेष्ठ चल रहा है, तो व्हाट्सएप ही सबका बॉस है। तो इससे क्या याद रखेगा, व्हाट्सएप इंडिया के अध्यक्ष कौन हो गए, बॉस, यानी कि अभिजीत बॉस, ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट है आईटीबीपी के महानिदेशक। देखिए एसएस देसवाल आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं। तो अब देखिए कैसे याद रखेंगे, आईटीबीपी आप जानते हैं, इंडो तालिबान बॉर्डर पुलिस, ठीक है ना। बॉर्डर पुलिस कहाँ होती है, बॉर्डर कहाँ होती है, सीमा पर होती है देश की। तो देश की सीमा पर वो क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, यानी कि बॉर्डर के रूप में काम करते हैं, एक दीवाल के रूप में काम करते हैं, एक वॉल के रूप में काम करते हैं। तो आगे ना, तो आईटीबीपी क्या है, देश की वॉल है, ठीक है ना। बॉर्डर पे जो है, देश की सीमा पर वो वॉल का कार्य कर रहे हैं, मतलब एक तरह से दीवाल की तरह मुस्तंद खड़े खड़े हुए हैं। तो देश की वॉल है कौन, आईटीबीपी। तो आईटीबीपी ही देश की वॉल है, ऐसे याद रखिए। तो देश की वॉल यानी कि देश वॉल, ठीक है ना, देश वॉल आ गया। कौन है देश की वॉल, देश वॉल। तो जब भी पूछा जाए आईटीबीपी क्या है, तो आईटीबीपी देश की वॉल है, यानी कि देश वॉल उसके महानिदेशक हो गए, सिंपल। अगला है रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किस पर है। तो देखिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है भी डीवी सदानंद गौड़ा को दिया गया है। इन पर मुख्य रूप से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन का भार है डीवी सदानंद गौड़ा पर, लेकिन अभी हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, आप ये समझिए, खाद से ही या खाद से किसान सदा आनंद में होंगे, ठीक है ना। तो खाद से, जब खाद क्यों डालता है किसान उसमें खेतों में, ताकि फसल अच्छी हो, फसल अच्छी होगी, अधिक फसल होगी तो किसान जो है वो क्या होगा, खुशी होगा, यानी कि आनंद में होगा। तो खाद क्यों डालते हैं, ताकि खाद से किसान जो है वो आनंद में रहे, सदा आनंद में रहे। तो खाद से किसान सदा आनंद में होंगे, तो खाद यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय हो गया, और सदा आनंद से सदानंद हो गया, ठीक है ना। तो खाद यानी कि रसायन मंत्रालय के कौन है मंत्री, सदा आनंद, यानी कि सदानंद, सिंपल। चलिए नेक्स्ट है संसदीय मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार। तो संसदीय मामलों के जो अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है, ये वैसे इन पे वर्तमान में है ग्रामीण विकास, पंचायती राज और खनन मंत्रालय है, लेकिन चूंकि संसदीय मामलों के मंत्री इनको बनाया गया है, तो देखिए अब कैसे याद रखेंगे, संसद में कौन पहुंचता है, संसद में पहुंचते हैं वो मंत्री पहुंचते हैं, मिनिस्टर्स पहुंचते हैं, ठीक है ना, एमएलए पहुंचते हैं, सांसद पहुंचते हैं। तो उनको चुनता कौन है, जनता चुनती है, यानी कि एक जनता के समूह में से कोई एक व्यक्ति चुना जाता है। तो एक व्यक्ति चुना गया तो एक प्रकार से वो उन व्यक्तियों में श्रेष्ठ ही माना जाएगा, सभी लोगों ने उसका मैंडेट दिया है तो वो एक प्रकार से श्रेष्ठ हो गया, ठीक है ना। लॉजिकली है कि नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वो उनमें श्रेष्ठ है, इसलिए उनका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो क्या हो गया, वो प्रतिनिधित्व करने वाला उनका लीडर हो गया, लीडर यानी कि इंद्र, ठीक है ना। इंद्र को वैसे क्या माना जाता है, देवों में देव माना जाता है, इंद्र माना जाता है, ठीक है ना, इंद्र। तो नरों में इंद्र, यानी कि जो लोग हैं जिन्होंने उसको चुना है, उनका जो सांसद है वो एक प्रकार से उनमें इंद्र हो गया, तो नरों में इंद्र यानी कि नरेंद्र, ठीक है ना।
तो संसद में कौन पहुंचती हैं? नरों में इंद्र, यानी कि नरों द्वारा जो चुनी जाती हैं, इंसानों द्वारा जो चुनी जाती हैं, वही वहां पहुंचती हैं संसद में। तो संसद में नरों की इंद्र रहती हैं, ठीक है ना। ये केवल ट्रिक है, अगर आप इससे भिन्न मत कुछ और रखते हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, हम यहां पर केवल चीजों को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अन्य कोई ट्रिक आप बना सकते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट है और आज की लास्ट है जो है, इसके बाद जो है बची है वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ये पार्ट 1 है, ठीक है ना। तो चूंकि हम ट्रिक को समझ रहे हैं इसलिए वीडियो लंबा हो जाता है, तो नेक्स्ट चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लास्ट देख लीजिए क्या है, पेटीएम भुगतान बैंक के MD व CEO कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। तो देखिए इसको याद रखना बहुत आसान है, पेटीएम भुगतान। देखिए भुगतान चीजें तो और भी हैं लेकिन पेटीएम के लिए स्पेशली याद रखना भुगतान, ठीक है ना। भुगतान में पहले 3 अक्षर क्या आ रहे हैं? भुगता, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ रहा है लास्ट में? गुप्ता। यहाँ सरनेम आप याद रख सकते हो उसका, ठीक है ना। ये पेटीएम भुगतान बैंक का भी सरनेम सा हो गया लास्ट में, और ये सतीश कुमार गुप्ता का भी सरनेम हो गया। तो दोनों के सरनेम याद रख रहे हैं हम, भुगता गुप्ता, भुगता गुप्ता, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इसमें इस वीडियो में हमने 14 जो है वो नियुक्तियां समझ ली थी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें दोस्तों सभी, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कर लिया है तो ब्लैक जो बेल आइकॉन है उसके बगल से उसको क्लिक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट जो है आपको तुरंत मिले। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।